वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता डॉक्टर फार्माकोलॉजी। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द इस्केमिक हार्ट डिसीज़। आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो आपका है इस्केमिक हार्ट डिसीज़। और इस्केमिक हार्ट डिसीज़ में जो ड्रग यूज़ किए जाएंगे उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस्केमिक हार्ट डिसीज़ को देख लेते हैं क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से दे रखा है इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में। तो इस्केमिक हार्ट डिसीज़ को पहले हम इससे बाइफर्केट करते हैं। इस्केमिक मतलब क्या होता है, यानी वो एरिया या वो टिश्यू जहाँ पर ऑक्सीडेटिव ब्लड या ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो। और हार्ट डिसीज़ का मतलब क्या है कि हार्ट में हार्ट की मायोकार्डियल, हार्ट की जो मसल्स हैं या मायोकार्डियल मसल्स हैं, मायोकार्डियल टिश्यू हैं, वहाँ पर अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है तो उस टाइप के डिसऑर्डर क्या बोलेंगे, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ बोलेंगे। और इस्केमिक हार्ट डिसीज़ मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन ना पहुँचने वाले कारण जो डिसीज़ इंड्यूस हो रही है, जो सिम्टम्स इंड्यूस हो रहे हैं, वो सब किस में आएंगे, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ में आएंगे। यानी लैक ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्लड टू सप्लाई इन द मायोकार्डियल मसल्स, दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज द इस्केमिक हार्ट डिसीज़। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, को हम CAD के नाम से भी समझ सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में ही मेनली, जब कोरोनरी आर्टरी से जब ब्लड आपका जो आपके मायोकार्डियल मसल्स में पास नहीं हो पाता है, जब कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीडेटिव ब्लड आपके मायोकार्डियल मसल्स में नहीं पहुंचेगा, तो उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ इज ए कंडीशंस इन विच देयर इज एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू ए पोर्शन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स ऑफ द हार्ट। यानी इस्केमिक हार्ट डिसीज़ वो कंडीशन है जिसमें क्या है, जो आपका ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर सकते हैं, ब्लड और ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो मायोकार्डियल मसल्स में प्रॉपर तरीके से या इनएडिक्वेट, प्रॉपर तरीके से इनप्रॉपर या प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज़। यानी इस्केमिक हार्ट डिसीज़ इज ए कंडीशंस जब आपका इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द पोर्शन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स ऑफ द हार्ट। इट इज अकर ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। ये मेनली क्यों होता है, इम्बैलेंस हो गया है, या तो मायोकार्डियल मसल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऑक्सीजन की और ब्लड की वो नहीं पहुँच पा रहा है, या फिर सप्लाई कम हो गई है। तो सप्लाई और डिमांड में जब इम्बैलेंसिंग हो जाती है तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, इस्केमिक हार्ट डिसीज़ जैसी कंडीशंस बन जाती है। यानी मायोकार्डियल मसल्स की जो डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग अगर ब्लड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो ऐसा हो सकता है, या फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से भी इस्केमिक हार्ट डिसीज़ हो सकती है। इट इज़ कॉज मेनली बाई द एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। एथेरोस्क्लेरोसिस मैं आपको बता चुका हूँ, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल क्लम्प्स बन जाएं, उस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, उस कंडीशन की वजह से ऐसा हो सकता है। और द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द मायोकार्डियल मसल्स ऑफ द हार्ट, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो आपको ब्लड को सप्लाई करती है मायोकार्डियल मसल्स ऑफ द हार्ट के लिए। इट इंक्लूड्स मेनली डिसऑर्डर आर बेसिक इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के कारण तीन टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। मैं दो मेन डिसऑर्डर की बात करूँ, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। CHF तो बाद की कंडीशन आती है, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द मेन डिसऑर्डर्स। ठीक है, बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए पेन सिंड्रोम ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्लड टू द मायोकार्डियल मसल्स। मायोकार्डियल मसल्स में डिमांड के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेटिव ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, या डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई नहीं हो पा रही, या तो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, या डिमांड बढ़ गई है, उस डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस होने के कारण क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस जैसे पेन सिंड्रोम जनरेट होता है। इट इज़ अकर ड्यू टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड ऑफ द एनारोबिक पाथवे ऑफ द कार्डियक मसल्स। ये क्यों होता है, पेन क्यों जनरेट होता है, पहले क्वेश्चन ये जनरेट होता है, पेन इसलिए जनरेट होता है क्योंकि जो हमारी मायोकार्डियल मसल्स हैं उसमें अगर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे मायोकार्डियल मसल्स पर प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पा रहा है, तो मायोकार्डियल मसल्स क्या होती हैं, एनारोबिक पाथवे को फॉलो करती हैं, यानी कि वो एनर्जी उनको प्रोड्यूस करनी है, एरोबिक पाथवे के लिए उनके ऑक्सीजन की नीड होगी, जो ऑक्सीजन मिल नहीं रही प्रॉपर तरीके से, अब वो ऑक्सीजन और जो एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या करें, एनारोबिक पाथवे अपलोड करके, तो एनारोबिक पाथवे में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड का ज़्यादा एक्यूमुलेशन जब होने लगता है तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, पेन इंड्यूस करता है हार्ट कार्डिक मसल्स में अंदर, लेफ्ट शोल्डर में, ये सब पेन इंड्यूसिंग केमिकल क्या है, लैक्टिक एसिड, जो कि पेन हमारे बॉडी में इंड्यूस करता है। और ये जब पेन हमारे लेफ्ट चेस्ट से लेकर लेफ्ट शोल्डर तक प्रोड्यूस जनरेट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। देर आर टू टाइप ऑफ एंजाइना, दो टाइप का एंजाइना हो सकता है, फर्स्ट इज द स्टेबल एंजाइना, सेकंड इज द अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना देखते हैं क्या है,
स्टील इंजन इट इज ऑल्सो आर कॉल्ड एज ए क्लासिकल इंजना, इसको हम क्लासिकल इंजना के नाम से भी जानते हैं। इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंजना जो कॉमनली पाया जाता है। स्टील इंजन अटैक आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इमोशनल ईटिंग क्वाइटियस एंड सबसाइड वेन द इंक्रीजिंग द एनर्जी डिमांड इज विदड्रॉ एंड इट इज कॉज बाई द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब क्लासिकल इंजना या फिर स्टील इंजना ये कैसे होता है, जब या तो क्लासिकल इंजन का जो अटैक होगा या स्टील इंजन का अटैक कब पड़ता है, जब या तो पेशेंट या कोई एक्सरसाइज कर रहा हो या कोई बहुत इमोशनल कंडीशन हो गई हो या ईटिंग का क्वाइटस या फिर सबसाइड बैंड इनकी या कोई किसी कारण ऐसा कोई काम कर रहा हो जिसकी वजह से क्या एनर्जी डिमांड क्या होती है बढ़ जा रही है, तो एनर्जी डिमांड जब बढ़ जाएगी या ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जा रही है तो उस वजह से जो कंडीशन बनेगी वो अटैक होगा वो क्या कहलाएगा, स्टील इंजन का अटैक कहलाएगा। स्टील इंजन का अटैक मेनली एक्सरसाइज कंडीशन में, कोई इमोशनल कंडीशन में, कोई ईटिंग कंडीशन या क्वाइटियस कंडीशन या सबसाइड कोई ऐसी कंडीशन जिसमें उसके हार्ट की मसल्स को और ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा होता है या हार्ट की मसल्स को और ज़्यादा नीड ऑफ ऑक्सीजन होती है, एनर्जी की नीड होती है, उस कंडीशन में क्या है स्टील इंजन का अटैक पड़ता है। स्टील इंजन अटैक हमें और की सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, तो उस टाइप के इंजन को बोलते हैं स्टील इंजन। अनस्टेबल इंजन क्या होता है, स्टील इंजन इज लेस कॉमन टाइप ऑफ इंजन, द पिन इन इंजन प्रोड्यूस एट द रेस्ट कंडीशन। और रेस्ट कंडीशन में इंजन का पिन जनरेट हो रहा है, यानी कि लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट चेस्ट में अगर हमारा पिन हो रहा है और ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन इट इज ड्यू टू द क्लॉट थ्रम्बोसिस इन द कोरोनरी आर्टरी। ये क्या हो, क्यों होता है, क्योंकि हमारे कोरोनरी आर्टरी में क्या हो, थ्रम्बोस क्लॉट फॉर्म हो गया है, ब्लड का क्लॉट फॉर्म होने की वजह से क्या है, उस क्लॉट ने क्या किया, उस कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया और क्लॉट ब्लड का जो क्लॉट है वो जमने के कारण ब्लड पास नहीं हो पा रहा है। अब जब ब्लड पास नहीं हो पाएगा रेस्ट कंडीशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, अनस्टेबल इंजना का अटैक पड़ता है, जिसको हम अनस्टेबल, क्योंकि अनस्टेबल क्या है, ये लेस कॉमन है, स्टेबल मोस्ट कॉमन होता है। तो फर्क समझ में आ गया, स्टेबल इंजना क्या होगा, रेस्ट कंडीशन नहीं होगा, एक्सरसाइज कंडीशन है, ईटिंग है, इमोशनल कंडीशन है, और इट ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। कौन सा, स्टेबल इंजना, क्योंकि स्टील इंजना में क्या कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि क्या हो गया, डायमीटर कम हो गया, वो सक्रिय हो गई है, ब्लड तो पास हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, लेकिन जब डिमांड बढ़ रही है स्टील इंजना में, तो जब डिमांड जब एक्सरसाइज करेगा या कुछ किसी कारणवश हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ रही है, हार्ट का मायोकार्डियल मसल्स तेज़ी से काम करने लगती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से डायमीटर कम हो गया है, रास्ता सकरा हो गया है, उस सक्रिय नली में से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पास नहीं हो पाएगा, जब ब्लड पास नहीं हो पाएगा तो मायोकार्डियल मसल्स तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टेबल अंजना जैसा अटैक पड़ जाता है। अनस्टेबल अंजना क्यों होता है, ये लेस कॉमन है, ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन होगा, अनस्टेबल अंजना ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन, जब रेस्ट कर रहा है तब होगा। और क्यों कर रहा है, क्योंकि जो क्लॉट है, जो थ्रम्बस है, वो कोरोनरी आर्टरी में फंस गया है, और क्लॉट और थ्रम्बस के फंसने के कारण क्या होता है, ब्लड पास नहीं हो पा रहा है, ब्लड मायोकार्डियल मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से अनस्टेबल अंजना का अटैक पड़ता है। क्लियर। अब बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं इनके। द मेन सिम्टम ऑफ अंजना पेक्टोरिस इज पेन इन द चेस्ट, पेन होता है चेस्ट के अंदर। अ पेशेंट मोस्टली डिस्क्राइब द पेन सेंसेशन ऑफ द प्रेशर एंड हैवी वेट ऑन चेस्ट एंड फीलिंग ए टाइटनेस इन चेस्ट। पेशेंट को मकसद ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर चेस्ट में पेन हो रहा है, साथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर या हैवी वेट रख दिया है चेस्ट के ऊपर, और टाइटनेस ऑफ चेस्ट फीलिंग जैसी होती है। पेन मेन मे रिमेन लिमिटेड और मे रेडिकेट फ्रॉम टू लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट। और पेन जो होता है वो माइग्रेट होता है, ऐसा लगता है कि लेफ्ट शोल्डर से, लेफ्ट चार्ट से लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म की ओर माइग्रेट हो रहा है, तो उस टाइप का पेन जो होता है वो आपके क्या इंजना का है, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट चेस्ट में पहुँचेगा, लेफ्ट चेस्ट से लेफ्ट आर्म में पहुँचेगा, लेफ्ट आर्म से आपके लेफ्ट शोल्डर तक होते हुए पहुँचता है, दैट इज़ द पेन ऑफ इंजना। द पेन अपीयर इन सम पेशेंट ड्यूरिंग द रेस्ट, बट इज द लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट वेन द पेन अपीयर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। कुछ पेशेंटों में रेस्ट में भी कंडीशन में आता है, यानी रेस्ट कंडीशन यानी कि अनस्टेबल इंजना अटैक पड़ता है, लेकिन लार्जली क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट पेन अपीयर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, वॉकिंग अगेंस्ट द विंड, वॉकिंग आफ्टर द हैवी मील, इमोशनल लाइक फियर, एंगर एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में जो मोस्टली अटैक पड़ते हैं, लेकिन जो पेन जो रेस्ट कंडीशन में होता है वो कम जनरेट होता है, यानी स्टेबल इंजना जो है वो कम है, लेकिन स्टेबल इंजना यानी कि क्लासिकल इंजना जो मोस्टली हमें सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं। समटाइम पेन विद ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, नोजिया, वोमिटिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेन के साथ साथ सांस में लेने में दिक्कत होती है, स्वेटिंग होने लगती है, नोजिया और वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है। अगर कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजना फैक्टर इज द हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर इंजना
लॉन्ग टाइम तक बना रहे तो हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी कंडीशंस बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है। ऑक्सीजन डिमांड जो आपकी, एक मिनट जरा, ऑक्सीजन डिमांड है वो आपकी क्या हो गई, बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है। तो क्या हो गया, मायोकार्डियल ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, एंजिना का अटैक पड़ता है। यानी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाना, व्हेन द इंक्रीज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस कॉज मायोकार्डियल इम्बैलेंस ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन इम्बैलेंस एंड प्रोड्यूस एंजिना पेक्टोरिस लाइक सिम्टम्स। ठीक है, तो यह हुआ आपका। अब यहाँ पर वो देख सकते हैं, जैसे आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ये दैट इज़ द कोरोनरी आर्टरी, ये आपकी वेल कंडीशन है, ठीक कंडीशन है। ये आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में क्या है, जो आप येलो येलो दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्लॉट है। इस क्लॉट के जमा होने, जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आपका प्लाक जमा होने की एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या हो, डायमीटर जो है, इतना डायमीटर था, यहाँ पर डायमीटर बहुत कम बचा है, यानी कि यहाँ से ब्लड सप्लाई होगा वो कम मात्रा में हो रहा है। ये तो हुआ अनस्टेबल एंजाइना की बात हुई, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि यहाँ जो अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, मैं आपको बता सकता हूँ दोबारा। स्टेबल एंजाइना में क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको पाथवे दिख रहा है जहाँ से ब्लड पास हो रहा था, यहीं पे जाके एक क्लॉट जमा हो गया, और क्लॉट जमा होने की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक गया। और ब्लड सप्लाई रुक गई, बिल्कुल स्टॉप हो गई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट या थ्रम्बस। दिस इज कंडीशन कॉल्ड इज द अनस्टेबल एंजाइना। क्लियर, तो ये स्टेबल एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना कंडीशन की बात करी। अब बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं नॉर्मली। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो मेडिकल इमरजेंसी ड्यू टू द इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियल मायोकार्डियम, मतलब क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें क्या होता है, इस्केमिक नेक्रोसिस, मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में किसी टिश्यू का डेथ होना क्या है, इस्केमिक नेक्रोसिस है ऑफ द मायोकार्डियम, यानी मायोकार्डियम सेल्स, जो मायोकार्डियम मसल्स हैं उसके टिश्यू की ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में डेथ होने लगती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। द टर्म हार्ट अटैक इज यूज अल्टरनेटिव, इसको हम हार्ट अटैक भी अल्टरनेटिव बोल लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक हार्ट अटैक में आदमी बच गया, तो एक हार्ट अटैक में क्या होता है, कुछ टिश्यू डैमेज हुए, फिर दूसरा अटैक पड़ा, फिर कुछ और टिश्यू डैमेज हो गए, और तीसरा अटैक पड़ेगा तो मेजॉरिटी नंबर ऑफ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो तीसरे अटैक के बाद में क्या चांसेस ऑफ सर्वाइवल कंडीशन कम बचती, क्योंकि हार्ट में मेजॉरिटी नंबर ऑफ टिश्यू डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ होने की कंडीशंस बन जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, सीवियर पेन इन द मिडिल चेस्ट एंड डेट मे बी स्प्रेड टू द बैक जॉ लेफ्ट आर्म एंड विच कैन नॉट बी रिलीव बाय द रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। अब क्या होता है, जब सीवियर पेन हुआ है हमारे मिडिल चेस्ट में, साथ में बैक पीछे की तरफ होता है और जॉ में होता है, लेफ्ट आर्म में होता है, जो कि रिलीफ रेस्ट की, जब पेशेंट रेस्ट भी करे तभी उसे आराम नहीं मिलता है, या फिर उसे नाइट्रोग्लिसरीन या सॉर्बिट्रेट भी देते हैं तभी उसे रिलीफ नहीं मिलता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाती है। एक बार समझ लीजिए, अगर मैंने आपको क्लियर, एथेरोस्क्लेरोसिस है, अगर स्टार्टिंग कहाँ से हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस बनता चला गया, एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन बनी हुई है, हमने उसको हील नहीं किया, तो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, एंजिना पेक्टोरिस। अब एंजिना पेक्टोरिस कंटिन्यू बनता चला गया, हमने उसको हील नहीं किया, उसको ठीक नहीं किया, तो एंजिना पेक्टोरिस से कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, MI यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक जैसी कंडीशन बन जाती है। तो जिसमें ये सिम्टम्स हैं, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग, नोजिया, लो ग्रेड फीवर, ब्लू लिप्स एंड हैंड मे बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स होंगे। अबाउट 20% ऑफ पेशेंट डू नॉट एक्सपीरियंस ऑफ एनी टाइप ऑफ सिम्टम कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक व्हेन देयर ECG इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ अटैक। 20% पेशेंट ऐसे भी होते हैं, दिखा गया है कि इनमें कोई भी टाइप के सिम्टम हमें ऑब्जर्व नहीं हुए होते हैं, जिसे हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, लेकिन जब उनका ECG करते हैं तो हमें पता लगता है कि हार्ट अटैक पड़ रहा है। तो ऐसे भी कंडीशन बन जाती है, जिस 20% पेशेंट को सिम्टम्स नहीं ऑब्जर्व होते हैं लेकिन उनको हार्ट अटैक पड़ रहा होता है। अब मैं थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये जनरेट हार्ट अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक क्यों होता है। सीवियर ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी लीड टू द ग्रेट रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज। अगर कोरोनरी आर्टरी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे कि ये जो आपका क्लम्स बन गया है, और क्लम्स के बनने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर आपका कोई क्लॉट फंस जाए, क्लॉट फंसने की वजह से पूरा एकदम ब्लॉकेज हो गया, और ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होगा, ब्लड का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। यहाँ कोई ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होगा, ब्लड का सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये क्या हो गई,
ब्लड सप्लाई पूरी तरह से सीज हो गया, तो इसकी वजह से मेनली क्या होता है, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी कंडीशन बन जाती है। इफ द ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ फॉर फ्यू मिनट्स तो मायोकार्डियल सेल्स डाई। अब कुछ मिनट तक ये ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, ज़्यादा देर तक ऐसा बनता है कंडीशन बनती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मायोकार्डियल सेल्स हैं वो आपकी डेथ होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। द एक्सटेंड सेल नेक्रोसिस इज डिटरमाइंड बाई द एरिया परफ्यूज बाई द ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी एंड एक्सटेंड ऑफ ब्लॉकेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द ब्लॉकेज। अब ये नेक्रोसिस जो हो रही है, जो आपके मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, इसके कितनी मात्रा में वो सेल डैमेज हो, सेल के नेक्रोसिस हो रही है, कितनी मात्रा में वो मायोकार्डियल सेल्स आपकी डैमेज हो रही हैं, डिपेंड इस पर करता है कि ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी कितनी मात्रा में ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी का, कितनी देर तक ब्लॉकेज रहता है, एक्सटेंड ऑफ ब्लॉकेज मतलब कितने टाइम तक ब्लॉकेज रहता है, और ड्यूरेशन कितने ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, एक्सटेंड ऑफ ब्लॉकेज मतलब ब्लॉकेज कितना बड़ा है, साथ में ड्यूरेशन ऑफ ब्लॉकेज है कितने टाइम तक ब्लॉकेज बना हुआ है। तो जब बिल्कुल ब्लॉकेज है, एकदम सील है, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज होंगे, और ड्यूरेशन उसका ज़्यादा है तो भी टिश्यू बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ सीवी आर्टरी, अब जैसे एथ्रोमा मतलब क्या है, कोई प्लाक बन गया है, या फिर बेसोस्पाज में कोई ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या फिर आपका सीवियर आर्टरियल ऑक्लूजन यानी एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में जैसे क्या होगा कि रिड्यूस ब्लड सप्लाई कम होने लगेगी। अब ब्लड सप्लाई जब कम होगी यानी कि ऑक्सीजन ब्लड कम पहुँचेगा तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन बनेगा, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन बनने की वजह से क्या होगा, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन बनेगा यानी कि जो सेल्स होंगे वो डेथ होने लगेंगी। तो जब सेल हार्ट की डेथ हो गई है, जब सेल मायोकार्डियल सेल की डेथ किल हो गए हैं या डेथ हो गई है सेल की, तो उस वजह से हार्ट प्रॉपर अमाउंट पे पंप नहीं कर पाएगा, डिफिशियंसी पंपिंग होगी, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। शॉक लाइक कंडीशन होगी, जो ब्लड अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है तो शॉक लाइक कंडीशन होती है, जिसकी वजह से डेथ जैसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट टू कीप द पंपिंग आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डैमेज, यानी कि जो हार्ट की एबिलिटी है पंपिंग करने की मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद में, वो इस पर डिपेंड करता है कितनी मात्रा में वो टिश्यू डैमेज हुआ है। इफ़ द मोर देन 50% टिश्यू डैमेज द हार्ट जनरली कैन नॉट वर्क, अगर 50% से ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गए हैं उस कंडीशन में हार्ट वर्क नहीं कर पाता है। इन द केस ऑफ लेसर डैमेज इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई पंपिंग इज ऑब्जर्व विच इज रिजल्ट इन द हार्ट फेलियर ऑफ सब कंडीशन, अगर लेसर डैमेज हुआ है तो कम अमाउंट प्रॉपर अमाउंट में हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर या शॉक जैसी कंडीशन बन जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट ऑन ए प्री एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कोरोनरी एथेरोमा प्लाग इज यूजली कॉज ऑफ कोरोनरी ब्लॉकेज। तो मैंने बताया था आपको कोरोनरी आर्टरी में जहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है वहाँ पर कोई एथेरोमा यानी कि कोई थ्रम्बस फॉर्म का प्लाग फॉर्म हो गया है, तो मेनली वो कॉज होता है कोरोनरी ब्लॉकेज का। और सीवियर वेसोस्पाज्म इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। वेसोस्पाज्म मतलब कोरोनरी आर्टरी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा उसका डायमीटर कम हो गया है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। तो ये हुआ आपका इश्मिक हार्ट डिसीज़। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो चैनल जो जिसे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी शेयर करने पर उसको हेल्पफुल हो सकता है तो उस पर्सन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इश्मिक हार्ट डिसीज़ की ड्रग के बारे में, जैसे कि नाइट्रेट्स हैं, कैल्शियम ब्लॉकर भी यूज़ किए जाते हैं, और ड्रग के बाद बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इश्मिक हार्ट डिसीज़ यानी कि इसके ड्रग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।